प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को आज 6 दलों का समर्थन मिल चुका है और जैसे ही समर्थन मिला उन्होंने सब कुछ फाइनल कर दिया है। आज बिहार में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना प्रचार करने पहुंचे थे यशवंत सिन्हा, जिन्होंने मंच से ऐलान किया कि वो देश के उन विरोधी ताकतों से लड़ रहे हैं जो ताकत कहीं ना कहीं देश के उन युवाओं को दबाने की कोशिश कर रही है जो सड़क पर संघर्ष करना चाहते हैं, नौकरी मांगते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने मंच से ऐलान कर दिया है कि यशवंत सिन्हा को वो समर्थन करेंगे और जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने अपने गठबंधन में जो दल हैं उनको मनाने की बात तक कही है और आज प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को 6 दलों का समर्थन प्राप्त हो चुका है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई के लिए तेजस्वी को 6 दलों का साथ मिला है। और इस राष्ट्रपति चुनाव में भले ही जो लड़ाई कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि एक तरफ जहां विपक्षी दल के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज बिहार आए हैं, वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू पहले ही दौरा करके चली जा चुकी है। एनडीए गठबंधन के तमाम दल द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे, लेकिन वही महागठबंधन के तमाम दल यशवंत सिन्हा को समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी के साथ वाम दल हैं और साथ ही कांग्रेस है और खुद राष्ट्रीय जनता दल है, यानी सभी वाम दलों को अगर मिलाया जाए, जो सीपीआई है, सीपीआईएमएल है और भी जो दल हैं, 6 दल तेजस्वी के साथ आ चुके हैं। ऐसे में मंच से तेजस्वी यादव ने आज जो बातें कही है वो आप सुनिए। चुनाव सब लोग बोले बेरोजगारी के खिलाफ चुनाव, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार को लोग जो रियल इश्यूज है, जो रियल मुद्दे हैं, उसको कहीं ना कहीं से प्रयास किया जा रहा है हटाने का और एक एजेंडा जो है वो रख दिया जा रहा है सबके सामने। वो एजेंडा आप लोग सब लोग जानते हैं, सोसाइटी को कॉम्युनलाइज करो, डिवाइड एंड रूल, हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए लेकिन हमने ये पहले भी कहा था कि अब हम लोगों को तलवार का काम नहीं करना है, ना हम लोगों ने कभी किया। ये तलवार वाले देश को जो है टुकड़े टुकड़े कर रहे, बांट रहे, और जैसे कपड़ा फट जाता है तो तलवार काम नहीं आता, सुई काम आता है। हम लोग यहां 6 दल के लोग हैं, हम लोग अलग अलग रंग के धागे से अगर हम लोग फटे हुए कुर्ते को, कमीज को अगर सिले तो हम लोग जोड़ने का काम। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप लोगों से यही कहेंगे कि हम सब लोगों जो एकता हम लोगों ने दिखाई है उसको 18 तारीख को वोट का चोट जो है सरकार को, सत्ता पक्ष को देने का काम करें। और हम फिर से दोहराएंगे कि इतिहास याद करेगा कि आप तोड़ने वाले पैसे नहीं थे, आप जोड़ने वाले थे। और यशवंत सिन्हा जी का हम स्वागत करते हैं, हमें पहले सूचना नहीं मिली शत्रुघ्न सिन्हा जी की यहाँ आने वाले, तो हम लोग क्षमा चाहेंगे अगर कोई वो हुई होगी। लेकिन आपको हम बधाई भी देते हैं कि आप जो है पश्चिम बंगाल से जो बाय इलेक्शन हुआ, एक रिकॉर्ड और जो जीत आपने देखिए, लड़ने वाला का जीत होता ही है, शुरू में कठिनाई होती है लेकिन अंतिम जो होता है जीत तय होता है। ज्यादा कुछ हम ना कहते हम अपने बात को यही समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। यशवंत सिन्हा जी का फिर से स्वागत हम लोग करते हैं और हमारी संख्या जो है लगभग 115। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816700। धन्यवाद।